हेलो पेरेंट्स, वेल्कम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि बच्चों में तो देखने को मिल ही रहा है, साथ ही साथ बड़े छोटे बड़े बुजुर्ग सब में ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से फैल रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आई फ्लू के बारे में। जी हाँ, आई फ्लू बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और मोस्टली ऐसा होता है जब बारिश का मौसम होता है, तो बारिश के मौसम में आई फ्लू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आप प्रोटेक्टिव रहें और आपके बच्चों को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप कुछ अर्ली स्टेज में ही कुछ तैयारी कर लीजिए जिससे कि ये फैलेगी नहीं। और आपको लग भी रहा है कि आपके घर में ये हो रहा है तो किस तरीके से आप प्रिकॉशंस यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको बेसिक सी कुछ चीज़ें ट्राई करनी है। बेसिक सी बातों को आपको ध्यान में रखना है। यदि आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप इससे क्योर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आई फ्लू क्या है। डेफिनेटली ये बरसात के मौसम में ये होने लगता है। जो हमारी आंखों का जो वाइट पार्ट होता है उसको ये इफ़ेक्ट करता है। इसमें सूजन आ सकती है, आपकी आंखों में रेडनेस हो सकती है, आपकी आंखों से आंसू आ सकते हैं, और अगर घर में ये किसी एक को हो जाता है तो ये और भी फैमिली मेम्बर को हो सकता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, स्पेशली बच्चों के साथ। यदि आपके बच्चे को ये सिम्टम्स आपको लग रहे हैं कि बच्चे को आई फ्लू होने वाला है, या ऐसा लग रहा है कि बच्चों की आंखों में रेडनेस हो रही है, बच्चा बहुत ज़्यादा इचिंग कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि उसको बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाने देना, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देना है खेलने के लिए। 3-4 दिन तक आप उसको घर में रख सकती हैं। आप बच्चे को जो गॉगल्स हैं, बच्चे को आप लगा के रखें जिससे कि किसी और को वो स्प्रेड ना हो। दूसरा, आपको क्या करना है कि आप बच्चे की आंखों की सफाई करती रहें। सफाई कैसे करेंगे आप? आप एक गुनगुना पानी लीजिए, गुनगुना पानी लेके आप एक साफ सुथरा कपड़ा लीजिए, कॉटन का साफ सुथरा कपड़ा लेके उस पानी में डिप करके कम से कम दो तीन बार आप बच्चे की आंखों को पोंछती रहें। जिससे क्या होगा, जो भी गंदगी होगी, जो भी पार्टिकल्स होंगे, जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होंगे, जो भी छोटे मोटे, तो वो वहाँ से क्लीन हो जाएंगे और बच्चे की आंखों को भी राहत मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी ये वाली बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यदि आपके घर में बच्चों को ही नहीं बल्कि अगर बड़ों को भी हो रहा है, तो वहाँ पर भी हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि आप अपने जो आंखों को क्लीन करते रहें, गुनगुने पानी से साफ करते रहें कम से कम 2-3 दिन, या आप जो भी आपके पास ग्लासेस हैं वो आप यूज़ कर सकती हैं। गॉगल्स वगैरह छोटे छोटे बच्चों के आते हैं, बड़ों के भी आते हैं, वो आप बच्चों को लगा दीजिए, अपने आप भी उनको यूज़ कर सकते हैं यदि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। और डियर पेरेंट्स, इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आपका बच्चा कहीं भी खेलने जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो आप उसके हाथों को ज़रूर क्लीन करवाएं। जब भी बच्चा खेल कर आ रहा है या बाहर कहीं जा रहा है, तो आप उसके जो हैंड्स हैं वो अच्छे से क्लीन करवाएं। नेल हैं, नेल को अच्छे से कट करवा दें, हाथों को क्लीन करते रहें, दिन में कम से कम 3-4 बार क्लीन करते रहें, तो हाथों की सफाई होती रहेगी, तो वो जो जर्म्स हैं वो आंखों तक नहीं जाएंगे और बच्चे की जो आंखें हैं वो बची रहेंगी, प्रोटेक्टिव रहेंगी। दूसरा, आपको ये भी अप्लाई करना है कि जब भी आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल जाते समय या आते समय बच्चों को जो हाथ हैं अच्छे से सैनिटाइज करें। एक सैनिटाइज की बोतल बच्चों को दे दें और उनको समझाएं कि समय समय पर वो सैनिटाइज अपने हाथों को करते रहें, आंखों को बार बार टच ना करें, फेस को बार बार टच ना करें, क्योंकि हम बहुत बार अपनी आंखों को टच करते हैं। तो बच्चों को स्ट्रिक्टली इस चीज़ के लिए आप समझा दीजिए कि आंखों को नहीं छूना है, हाथों को अच्छे से क्लीन करना है। जितने आप बच्चे हाथों को क्लीन करते रहेंगे उतने ही वो बचे रहेंगे। दूसरा, यदि क्लास में किसी और को ये प्रॉब्लम हो रखी है, तो वो बच्चे को आप अपने बच्चे को बिल्कुल स्कूल जाने से रोक लीजिए कि वो स्कूल ना जाए, क्योंकि दूसरे को देखने से भी ये बहुत जल्दी से होता है। साथ ही आप अपने बच्चे को बैलेंस डाइट दें, जितना हो सकता है जूसी फ्रूट्स दें, पानी दें, बैलेंस डाइट आप अपने बच्चे की डाइट में शामिल करें, उससे बच्चा हेल्दी बना रहेगा, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम बच्चे को नहीं होगी। इसके साथ आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को बिल्कुल भी आउटडोर गेम खेलने ना जाने दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। आपको किसी ना किसी फैमिली में, घर में कोई ना कोई फैमिली मेम्बर या बच्चे इस चीज़ से इफ़ेक्टिव आपको मिल जाएंगे। तो कोशिश करें कुछ टाइम के लिए, जब तक ये बरसाती मौसम है, बच्चे को आउटडोर गेम ना खेलने दें, इनडोर गेम ही खेलने दें। इनडोर गेम में ये रहेगा आपका बच्चा सेफ रहेगा।
यदि घर में किसी को ये हो रखा है तो उसे दूर रखें, यदि आपके बच्चे की क्लास में किसी को हो रखा है तो बच्चे को एक दो दिन स्कूल ना जाने दें, यदि आपके बच्चे में भी ये सिम्टम्स हैं तो कोशिश करें आप खुद अपने बच्चे को स्कूल ना जाने दें, जिससे कि बच्चा आपके बच्चे के थ्रू किसी और को ये स्प्रेड ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कम से कम ये 3 से 4 दिन ले ही लेता है, तब जाके कहीं रिलैक्स मिलता है और कम्प्लीटली ठीक होने में 1 वीक लग जाता है, तो ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कोशिश करें बच्चे की साफ़ सफाई का ध्यान रखें, बैलेंस डाइट दें, हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें, बच्चा कुछ भी खा रहा है पी रहा है तो अच्छे से हाथ धुलवाएं, और ध्यान रखें कि जब भी अगर ये प्रॉब्लम किसी को घर में हो रही है या हो जाती है तो बच्चों की आँखों को या बड़े की आँखों को आप क्लीन करती रहें गुनगुने पानी से, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हल्का गुनगुना पानी लें और कपड़े से, कॉटन के कपड़े से, साफ़ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, उससे आँखों को कम से कम दिन में 3-4 बार आप पोंछ दें तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि रिलैक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा रेडनेस आ रखी है, सूजन आ रखी है, तो आप अपने बच्चे के जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, ENT डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं। तो जो भी डॉक्टर आई ड्रॉप आपको सजेस्ट करते हैं तो आप आई ड्रॉप डाल सकते हैं, तो आई ड्रॉप से भी बच्चों को बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अपने बच्चे को आई फ्लू से बचाने के लिए। तो आई होप माय डियर मॉमीज आप इन सब चीज़ों से अवेयर ऑलरेडी होंगी, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी थी क्योंकि आपके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ तो आपको थोड़ा सा अवेयर और करने की। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।